नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। और आज का दिन बेहद खास है, खास इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के हाई स्कूल और साथ ही इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं। और जैसा कि हमने हमेशा से ही देखा है, जो रिजल्ट है उसमें लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर होता हुआ जा रहा है। हालांकि लड़कों में भी कोई कमी नहीं रही है, लड़के भी अच्छे यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। लेकिन एक नाम की चर्चा इस बार बहुत हो रही है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि प्रियांशी रावत का है। प्रियांशी जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बैरीनाग एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहां की रहने वाली है। और जिस खूबसूरत जगह में वो रहती हैं, वहां रहकर किस तरह से उन्होंने मेहनत की, किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे रखा और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला है, उसके चर्चे आज हर किसी की जुबान पर है। तो चलिए प्रियांशी का सबसे पहले स्वागत करते हैं। प्रियांशी, बहुत बहुत स्वागत और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू मैम। तो प्रियांशी, आज सब आपसे यही पूछ रही हूँ, कैसा लग रहा है? उम्मीद थी कि ये लेवल आपका रहेगा, मतलब एक भी नंबर कटना नहीं, मतलब ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पेपर देने के बाद ही, इवन जब मैंने पेपर देखा था फर्स्ट टाइम, तभी मुझे लग गया था कि हाँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, सभी अच्छे गए थे मेरे। मैथ्स और साइंस में मुझे 100 का मुझे पूरा विश्वास था कि 100 आ जाएंगे। थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में कभी कट जाते हैं, बट मेरा क्वेश्चन तो मुझे सब आते थे। और जब मुझे पता चला पूरे आ गए मेरे मार्क्स, तो तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, कभी कभी ऑप्शंस रहता ना, कहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो पूरी प्योर नहीं होती, 0.1% 0.9% कुछ तो रह जाता है, लेकिन आपके 100 out of 100, मतलब ये बहुत ही कम लोगों में होता है, लेकिन आपने किया है। लोगों के क्या कमेंट्स मिल रहे हैं आपको, कैसी गुड विशेस? अभी बहुत सा, मतलब अभी तो मैं बिजी हूँ, मतलब जब से रिजल्ट आया तब से घर में कई सारे लोग आ गए, फिर इंटरव्यू भी मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहेगा और ये भी चाहेगा कि अब जो आगे बच्चे आ रहे हैं वो आपसे मोटिवेट हो। आप किस चीज से मोटिवेट हुई कि आपने कितनी समय अपनी पढ़ाई को जारी रखा, कितना आपने खेलना कूदना, फैमिली में आना जाना, कितना कैसे किस तरह से पूरे टाइम को मैनेज किया? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई में कभी भी प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ती थी। जब मेरा मन करता था मैं तब पढ़ती थी, लगभग 3-4 घंटे एवरेज में पढ़ती थी, स्मूथली और सब स्टार्टिंग से एंड तक रेगुलरली पढ़ती थी। और खेला भी मैं हर रोज करती थी, खेला भी हर रोज करती थी। इवन जब मेरे बोर्ड पेपर नजदीक आए ना, तब भी मैंने अपने रूटीन में कोई चेंज नहीं किया, मैं तब भी खेलने जाती थी। अच्छा, ठीक है। नहीं, आजकल जो हम देखते हैं, जैसे हम भी खुद सोशल मीडिया में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे में बोर्ड के एग्जाम्स होना, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहना आपका होता था या नहीं होता है? रील्स वगैरह आप बनाती हैं ना बनाती हैं, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं माइंड को, तो इनसे कैसे आप बचे? नहीं, मैं रील्स वगैरह तो नहीं बनाती हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा करना, मतलब पहले भी नहीं किया, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, इवन 9th, 8th, 7th कभी नहीं किया। हाँ, मैंने YouTube में एक बार चैनल बनाने का सोचा था और बनाया भी था, बट मैं इतनी ज्यादा सोशल पर्सन नहीं हूँ, मुझे ज्यादा बाहर बात करना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, सो मुझे सोशल मीडिया में ज्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा तो फैमिली में अब कैसा सपोर्ट मिल रहा है? उस टाइम पे जो पढ़ाई का टाइम था वो कैसे आपने बिताया, और कैसे आपके पापा का, आपके मम्मा का कैसा वो सपोर्ट रहा पूरा? सपोर्ट तो हर जगह से मिला मुझे, स्कूल से मिला, मुझे घर से मिला, स्कूल में सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, इवन सबका होप था कि करेगी, मैरिड में आएगी, कोई डाउट नहीं रहने देते थे। घर में सिर्फ मम्मी पापा ने तो दिया ही दिया, इवन सभी लोगों ने दिया घर में, चाचा चाची दादी सभी ने सपोर्ट किया मुझे, इवन मेरे भाई ने भी मुझे सपोर्ट किया, वो हमेशा मुझे पढ़ने के भाई आपके छोटे हैं आपसे, उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया पूरा? हाँ, मतलब मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करता था, कहता था तू पढ़ आराम से पढ़, मैं कहीं और चले जाता हूँ, ऐसे करके मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करता था। अच्छा, अब आपको लगता है कि आपके भाई आपके साथ ही साथ आगे बढ़ते रहेंगे, आपको देखेंगे, आपने एक जो एक आइडियली फील है वो उनको दे दी?
मेरे भाई का और मेरा रिलेशन तो लगभग दोस्त जैसा ही है, मतलब हम फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैंने ऐसा किया है, मेरा भाई भी ऐसा करेगा और मैं भी उसे फुली सपोर्ट करूंगी। अच्छा, अब आपको कई लोगों के विशेष आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री का भी आपको कॉल आया, उन्होंने भी आपको कंग्रेचुलेट किया, आगे उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से मदद आपको मिलेगी और आप अपने फ्यूचर प्लान को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? उनका कॉल आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आपको सम्मानित किया जाएगा देहरादून में, और वो मुझे इकोनॉमिकली भी हेल्प करेंगे आई थिंक, कि स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह जो भी होता है वो मुझे प्रोवाइड करेंगे ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। ठीक है, आप आगे क्या बढ़ना चाहती हैं इस स्कोरिंग के बाद? आपका क्या आगे का प्लान है, क्या एक इच्छा? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब 10th के एग्जाम देते हैं उससे पहले ही हमारे मन में एक चीजें होती है कि हम या तो डॉक्टरी को लेकर या इंजीनियरिंग को लेकर या फिर किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर, कुछ आपने अभी सोचा है, कुछ प्लान किया है अभी तक? हाँ, मैंने मेरा एक गोल है, मैं एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मैं डिफेंस जाना चाहती चलिए, उत्तराखंड में ये हम देखते भी हैं, हमेशा हर एक घर से जो है एक फौजी तो निकलता ही है, लड़कियां बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं वो एक अच्छी बात है। मदर और फादर का, जैसे इजा बाजू का हम कहें, तो उनका कुछ है कि वो कुछ और चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें, कुछ और करें, या उनका भी सेम है कि आप आग में जाएं? हूँ। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे सभी घर वाले इवन मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स एकदम ओपन माइंडेड है, कोई उनके उसमें कोई भी कंजर्वेटिव थॉट्स नहीं है, वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं मुझ में, और वो कहते हैं तुझे जो पढ़ना है, तुझे जो बनना है तू बन, फ्रीली कर और हम तुझे सपोर्ट करेंगे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी डिफेंस से ही रहा है, मेरे पापा आर्मी में है और मेरे चाचा एयरफोर्स में है, सो मेरा इंटरेस्ट उसी में है। ठीक है, ठीक है। तो अभी कैसे आप आगे जाने का सोच रही हैं, क्योंकि अब आगे आपको कौन सी स्ट्रीम्स लेनी है इस पर भी डिपेंड करता है, आप आगे कहाँ पे आप स्टडी करना चाहेंगी, उत्तराखंड में ही रहकर या फिर किसी जैसे दिल्ली में या फिर कहीं और जाके आप अपनी स्टडी को आगे करना चाहेंगी? मैं उत्तराखंड पे ही रह के ये करूंगी और मैं 11th 12th में ही तैयारियां स्टार्ट कर दूंगी एनडीए के लिए। ठीक है, तो प्रियांशी, उत्तराखंड को लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तरह का माहौल है और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि एक नए युग की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड से होने वाली है, आपको लगता है उत्तराखंड के को लेकर आपकी क्या सोच है, आप किस तरह से आगे बढ़ने वाली, क्योंकि आपका जो आज मोटिव है, आपका जो एक संदेश है वो हर एक किसी तक जा रहा है? मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ज्यादा मेहनती है, पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले बच्चे हैं वो काफी टफ कंडीशन पे होते हुए भी करते हैं, इवन मैं भी पहाड़ी क्षेत्र से ही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ उत्तराखंड डेवलप हो रहा है और मेरे ख्याल से ऐसे डेवलप होते रहेगा। ठीक है, अच्छा कुछ उत्तराखंड को लेकर हम पूछ लेते हैं, क्योंकि हम आजकल, जैसे मैंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया काफी इन्वॉल्व रहता है, आपको कुछ पसंद है सॉन्ग्स वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, कभी माइंड डिस्टर्ब होता है थोड़ा बहुत? मैं बहुत ज्यादा डिवोशनल हूँ, मतलब जितनी मैं पढ़ाई करती हूँ उतना ही मैं भक्ति में भी रहती हूँ, तो मैं जितना भी हो सके मैं मतलब मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, और हमेशा जो भी देखती हूँ फोन में या तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देखती हूँ या उन्हीं के भजन सुनती हूँ और उन्हीं देखती हूँ बस। नहीं, हमें पता चला कुछ हॉबीज भी आपकी, मतलब कला को लेकर, संगीत को लेकर। हाँ, मुझे डांस करना पसंद है और मैं हारमोनियम भी बजाती हूँ, म्यूजिक सुनना भी तो मुझे कोई पसंद है। फेवरेट सिंगर जिसका गाना आपको पसंद हो, कुछ अगर आप हमें सुनाना चाहे तो? आज हर कोई आपको सुनना चाहता है प्यांशे, थोड़ा सा हो जाए बस फेवरेट सिंगर जी, जो कोई मैं अभी आजकल आपको गाना लगता हो कि नहीं, गाना पॉपुलर हो रहा है, काफी अच्छा है। मुझे तो अभी ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, अभी आपके मम्मी जो पापा है उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहे हैं, और जैसे कि अब लोगों का आना लगा हुआ है घर में ताता, वो कैसे प्राउड फील कर रहे हैं? अगर मम्मी पापा आपके आप आए, मुमकिन हो पाए, 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी। हाँ, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ, वो खुश हैं, मैं वो मम्मी को बुलाती हूँ, आ रहा हूँ। जी प्रियांशी, आप जो क्योंकि पापा आ कुछ जाओ। लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लाइफ में हम बने हुए हैं और वो भी आपको गुड विशेस दे रहे हैं, उनके भी कुछ सवाल होंगे एक दो, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, आपकी मम्मी आ गई हैं।
ठीक है, यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे बैठे। बहुत बहुत बधाई सर आपको, मैम आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी बेटी ने नाम रोशन कर दिया, और आई थिंक आप आज वो डायलॉग बोल रहे होंगे कि हमारी छोरी किसी से छोरे कम से नहीं है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो कैसा लग रहा है आपको ये जो बेटी ने आपको गौरवान्वित किया है? उम्मीद थी आप लोगों को, मैम आप तो टीचर हैं खुद, तो जो घर में क्लासेस है वो लगातार लगती रहती थी? मैम उम्मीद तो थी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका एक टाइम टेबल सेट किया था मैंने, और इसके इंग्लिश की सब्जेक्ट की टीचर मैं ही हूँ, टेंथ में इंग्लिश मैंने ही पढ़ाया है बच्चों को, और उस हिसाब से इसका सही था, 3-4 घंटे इसने पर डे पढ़ाई की। नहीं अच्छा, आपको उम्मीद थी कि 500 में से 500 पूरे आएंगे, एक दो नंबर में भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा? 500 में से 500 आएंगी तो नहीं सोचा था, पर 99 के आसपास रहेगी ये जरूर सोचा था। ठीक है सर, आप भी बताइए कैसा लग रहा है आपको? खुशी, बहुत खुशी है मैम, सारे जितने भी अभी सारे परिवार यहाँ पर है, सारी खुशी है, गाँव कई क्षेत्र वासियों का कई सबका फोन हो रहा है, सभी बधाई दे रहे हैं, और अपने क्षेत्र के लिए, बेरीनाग के लिए खुशी, और अपने राज्य के लिए खुशी का पल है, इसको एंजॉय करो। ठीक है, अच्छा प्रियांशी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्लान जो है आर्मी में जाने का है, आप इसे सपोर्ट करते हैं, आप खुद भी हैं? हाँ मैम, मैं उसी भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, 18 साल लगभग मैंने आर्मी में जॉब किया, तो इसका इसकी चॉइस है, मैं भी फोर्स ज्वाइन करूँ, एयरफोर्स इसका एक सपना है कि एयरफोर्स में NDA के थ्रू या CDS के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन करने का, तो पूरा सपोर्ट है, जो उसकी इच्छा है वो। अच्छा प्रियांशु एक सवाल, क्योंकि हम अभी भी पहाड़ों में देखते हैं कुछ असुविधाएं हैं, अभी भी कुछ पढ़ाई को हम लेके देखें या फिर किसी कोचिंग को लेकर देखें तो वो अभी अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको इसमें कुछ कमी नहीं लगी पढ़ाई को लेकर, टीचिंग को लेकर? मुझे टीचर्स में तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी, हाँ फैसिलिटीज थोड़ी कम होती है पहाड़ों में, इवन मेरे स्कूल में अभी लैब की उतनी फैसिलिटी नहीं थी, बट पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, मतलब जो अगर पढ़ना चाहता है तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है, और टीचर्स तो ऐसे हैं ना कि टीचर्स मेरे बहुत ज्यादा अच्छे टीचर हैं साधना में, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया मुझे और कोई डाउट नहीं रहने देते थे, हमेशा मुझे सेटिस्फाई करते थे। अच्छा इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि हमने अब आजकल के बच्चों को देखा है आफ्टर कोविड कि हर कोई जो है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बहुत रहता है कि हमें एक लैपटॉप चाहिए या हमें फोन दे दो, हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, उससे हमारे ग्रेड्स जो है अच्छे आएंगे, इसको लेकर आपका क्या सोचना है ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में? जी आपको लगता है कि मतलब ये सक्सेसफुल है, होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो बच्चे इतना मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो ट्यूशन नहीं जा सकते, तो वो यूट्यूब में वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं, और जो अपनी मतलब ये पहाड़ों पर ही रहकर जो तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो ऑनलाइन बैचेस ले सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जिसमें आपको लगा था कि ये तो आई थिंक मैं रिवाइज भी नहीं करूंगी तो मेरे 100 out of 100 तो आएंगे, कोई फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स, मुझे इसमें पूरा विश्वास था। वैसे आपकी मार्क्स देखकर तो प्रियांशा ही लगता है कि सारे आपके फेवरेट ही हैं सब्जेक्ट। हाँ मैथ्स पसंद है आपको? अच्छा अच्छा, हिंदी को लेकर क्या, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिन बच्चों की मैथ्स ज्यादा अच्छी होती है तो हिंदी में थोड़े, बट आपका लगता नहीं है मार्क्स से? मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ऐसे में सब्जेक्ट में लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सभी को मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ती थी, इवन जो ये हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है जिनमें स्टोरीज होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, स्टोरीज मैं पढ़ती थी और फिर अपने मन से अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको खुद ही आंसर लिखती थी। अच्छा ठीक है, मैं प्रियांशी की मम्मी से पूछना चाहूंगी, जब भी बच्चे एग्जाम्स वगैरह देते हैं या बोर्ड एग्जाम होते हैं, हम भी लोग ऐसे प्रॉमिस कर देते हैं कि अब पास हो जाओगे तो मोबाइल देंगे या कुछ साइकिल देंगे, कुछ प्रॉमिस आपने प्रियांशी को किया था क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया इसे, बस मैं इसे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी कि बेटा बस 4-5 साल आप अच्छे से पढ़ लो, अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, बस आगे तो फिर आराम ही आराम। अच्छा अच्छा, प्रियांशी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, झोई भात या डुबकी, क्या पसंद है जो आप खिलाने वाली है प्रियांशी को? इसको झोली भात पसंद है इसे।
जोई बात पसंद है। चलिए चलिए, अब जोई बात तो मतलब बनने वाला है जल्दी प्रियांशी के लिए। अच्छा एक मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी प्रियांशी आपका, क्योंकि आज आप बहुत बिजी हैं। एक एक लास्ट सवाल आपसे कि आप और बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी जो मोटिवेट हो पाए और एक ऐसा टाइम टेबल बन पाए, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को हम देखते हैं कि स्कूल से आए बच्चे ट्यूशन में जो देन आपको स्कूल का वर्क करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, उसके बाद कोचिंग करनी है, पूरा जो शेड्यूल है वो मेसअप हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी, कितने घंटे पढ़ाई जरूरी है, एक्टिविटी कितनी जरूरी है और पढ़ाई लिखाई को कैसे मैनेज करें, एक लास्ट मैसेज आप दे पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि घंटे बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। ये बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं कि आप कितने घंटे पढ़े, मैटर ये करता है कि आपने दिन भर में जितना पढ़ा है आपको उससे कितना प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी है उससे। आप मेरे ख्याल से आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए और जब पेपर का टाइम आता है अगर आपका कोर्स पूरा हो गया तो आप ट्यूशन क्विट कर सकते हैं। मैंने भी दिसंबर में ट्यूशन क्विट कर दिया था, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की, जितना हो सके रिवीजन किया मैंने। मैं कहना चाहूंगी कि रिवीजन आपको करते रहना चाहिए और मैथ्स में तो खासकर रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं टाइम टेबल कहूँ तो आपको अपने लिए लगभग एक दो घंटे तो निकाल ही लेने चाहिए खुद की पढ़ाई के लिए, और लिखने से ज्यादा आप अपने याद करने पे फोकस कीजिए कि आपको कितना याद हो रहा है। ठीक है प्रियांशी, पापा से एक सवाल अंत में, क्योंकि पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब बच्चे इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि आप किस सोच के साथ बच्चे के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, बातचीत, घर का माहौल कैसा बना हुआ है, तो आप बच्चों के अभिभावकों को क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे कैसा आपको बिहेव करना चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए कि वो जितना पढ़ सके वो पढ़ लें। हाँ, बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज करके अगर हम ज्यादा प्रेशर बार बार उसको ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे एक नेगेटिव की उसके अंदर आएगी। और खासकर आज के समय में अगर बच्चा 10-12 तक को सोशल मीडिया जो जितने अकाउंट्स है उस पर ज्यादा इतना ज्यादा उस पर रहना नहीं चाहिए, इस चीज से ज्यादा दूरी बनाए और अपना फोकस करके अपने गोल पे अगर फोकस करे तो अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, जैसे इसने किया है। और इसका ऐसा नहीं कि पूरा ही 24/7 इसने पढ़ाई की, पढ़ाई का अपने फिक्स टाइम रखा, उसके बाद और जो अदर एक्टिविटी है उसमें भी इसने किया था। रिसेंटली इसने रामलीला में राम का किरदार भी निभाया तो बड़ा सुंदर वो रहा और सभी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। तो इस पे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेसाइज हमने किया नहीं अभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तुम्हें मुझको ये तो टाइम दे अपन बखत निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहती हूँ कि प्रियांशी अब जो लोग काम करे पूर्ण नंबर ला ली। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पहला बहुत मुख्य धन्यवाद प्रियांशी, धन्यवाद।